हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है माय हैप्पी यूनिवर्स। और मैं शालिनी हमेशा आपके साथ, आपकी सच्ची वेल विशर। और दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती हूं क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए। अगर आ गए हैं और रहे हैं तो क्या करना है आपको, आपको करना है आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब। क्यों करना होता है सब्सक्राइब भाई, ये भी बताना ज़रूरी है, और कहाँ कहाँ किस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारी नोटिफिकेशन, आने वाली सब अमेजिंग वीडियोस मिलेंगी जो बहुत ही आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करना है ऑल नोटिफिकेशंस के बेल आइकन बटन पे। तो प्लीज़ जहाँ पे भी आप नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करते हैं, वहाँ पर आपने पर्सनलाइज्ड नहीं, आपने ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। ये बात हो गई चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके अलावा फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन सीरीज़ में। मैं आपको बताऊंगी कि नर्सिंग में हेल्थ एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर मैं क्यों आपके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टाइम है, फिलहाल जो भी हम पैंडमिक टाइम से हम जूझ रहे हैं, जो कुछ भी हम हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ देख रहे हैं, तो हमारा अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होना हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और मेडिकल प्रोफेशन में, चाहे हम PhD से लेकर मास्टर से लेकर किसी भी लेवल तक हम पहुँचते हैं, हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये हमारे साथ, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारी गैदरिंग्स में चलता ही रहता है। तो यहाँ पर नर्सिंग में इसकी क्या वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे ANM करते हैं, GNM करते हैं, BSc करते हैं, MSc करते हैं, हेल्थ टीचिंग्स तो हमारे साथ चलती ही हैं। तो हेल्थ के रिलेटेड सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बताऊंगी। हमारे स्टूडेंट्स, मैंने आपसे शेयर आउट किया है अभी तक GNM के स्टूडेंट्स, ANM के स्टूडेंट, तो मैं आपको बताऊंगी आज कि हमारे GNM के स्टूडेंट्स किस तरह से कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं, किस तरह से वो हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ करते हैं, और किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ने भी वैक्सीनेशन लिया, और वो किस तरह से वैक्सीनेशन के रिलेटेड आपको भी बताएंगे कि उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। तो मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, और देखने के बाद जो कुछ भी आपको महसूस हुआ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपसे बहुत से लोग मोटिवेट हों और आप भी अपना एक ब्लेसिंग और एक अपना ब्लेसिंग कमेंट हमारे चैनल पर लीव आउट करें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए किस तरह से कौन कौन सी वीडियोस ला रही हूँ, और आप मुझे YouTube के अलावा और कौन से अकाउंट्स में देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ही नाम से, एज माई हैप्पी यूनिवर्स शालिनी के नाम से, Instagram पे, मेरे Facebook पेज, जहाँ पे भी आपका बहुत प्यार मिल रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि अब देखने के बाद आप भी फॉलो करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, हैव अ लुक, और बताऊंगी ज़रूर फिर से आपको कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक यंगस्टर बच्चे हैं, टीनेजर हैं, तो प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हो सकता है कि आप अभी एक्सपोजर में ना आए हो। तो प्लीज़ अपने आप के लिए थैंक यू कीजिए, ग्रेटफुल होइए, और प्लीज़ वैक्सीनेशन चूज़ कीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन इज़ रियली वेरी सेफ। हो सकता है आपको माइल्डर, थोड़े से मॉडरेट सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको लास्ट मंडे में बताया था कि आपको क्या क्या गाइडलाइंस लेनी है। तो चलो हैव अ लुक, एंड वीडियो को स्टार्ट करते हुए फिर से याद दिला दूं, वीडियो को एंड तक देखना और एंड में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। बैक, और यहाँ से बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से कि आखिर वो कितने नर्वस है, क्या उनके अंदर नर्वसनेस है। लेकिन कुछ बच्चों के फेस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है वैक्सीनेशन की। सो लेट्स नो कि कुछ स्टूडेंट्स आपके साथ बात करना चाहते हैं, और वो आपको क्या बताना चाहते हैं कि वो वैक्सीनेशन के लिए मेंटली किस तरह से प्रिपेयर है, क्योंकि हमें ये जो चीज़ें इसलिए शेयर करनी है ताकि हम बहुत से लोगों को मोटिवेट कर सकें। और माई हैप्पी यूनिवर्स भी यही चीज़ चाहता है आपसे कि हम आपके साथ बिल्कुल एक अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करें। सो लेट्स मूव अहेड, और बात करना चाहते हैं, आप बताना चाहेंगे कुछ। ओके, वैक्सीनेशन के लिए शालिनी के साथ ओके, थैंक यू। हम थोड़े बहुत नर्वस भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सारे वैक्सीन लगवाना चाहें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अगर हम वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो हम सोशली सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हम अच्छे से जो है कहीं किसी भी सोसाइटी में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, ये थे हमारे
सारे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और ये हैं कुछ जीएनएम के स्टूडेंट्स जो थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहते कि हम बात करें। तो क्या सोचकर आप आए हो यहाँ पे बताओ? मैम वैसे तो मैं बहुत नर्वस हूँ। अच्छा, इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि हमको नर्वस है, अगर हम ही नहीं लगवाएंगे तो फिर कौन मतलब बाकी लोगों को कैसे रख देंगे। ओके ओके, थैंक यू। और यहाँ पे बच्चे कुछ और यहाँ भी लाइंस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं और रश होने के कारण जो है वो वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। तो चलो फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन हुई थी, हर चीज़ शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एट द एंड। अरे अरे, वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं हो गया, आपके लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आपको मैं बताऊंगी जब थंडरिंग ऑफ स्काई नेचुरली ही हमें किस तरह से जो नेचर है बूंद देती है, हमें कुछ ऐसी नेचुरल सब्जियां मिल जाती हैं। मैंने आपसे मशरूम के बारे में पहले भी बात की थी, तो आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से कल जब हमारे घर के पास मतलब कि बादलों की जो है वो गड़गड़ाहट हुई, मतलब थंडरिंग ऑफ द स्काई हुई, तो क्या हुआ, हमें बहुत से मशरूम मिले। तो पहले तो मम्मा डर गए थे कि ये क्या हो गया, लेकिन जब देखा तो इतने ज़्यादा मशरूम थे। तो आप भी देखिए, देखने के बाद बताइए कि आप इसे किस तरह से बना के खाएंगे। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इनको आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, पतले होते हैं, इनको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आप इनको पका सकते हैं, आप इनको पकोड़े टाइप बनाकर खा सकते हैं, आप इनको पीस कर हल्का दरदरा उसमें आप प्याज लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, या आप पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं, और तवे के ऊपर इसको हल्के कम ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट, या फिर आपको बहुत ज़्यादा और भी कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मशरूम हमारी हेल्थ के लिए वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसको टमाटर में डालकर मिक्स कर सकते हैं, आप मटर मशरूम बनाकर खा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप चिकन नहीं खाते हैं, लेकिन आप इस वेजिटेरियन चिकन को बनाकर खा सकते हैं, आप लहसुन प्याज की ग्रेवी में मतलब इनको एज ए पीस कर जो है वो ग्रेवी में टमाटर के साथ मिक्स करके इनको खा सकते हैं। तो इसके अलावा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा चिली डालकर इसको पका सकते हैं। एज वेल एज़ फ्रेंड्स, बाकी टेस्ट तो हमारे हाथों का होता है, फ्लेवर तो मसालों का आता है, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे आप बनाइए। और लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि ये नेचुरली किस तरह से हमारे घर में गिरे और कैसे हमने इनको इकट्ठा किया। सो हैव अ लुक, और देखने के बाद जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ आने वाली अमेजिंग वीडियो के लिए भी ज़रूर जुड़ जाइए।
वेलकम बैक और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बिल्कुल उन लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ जो हमेशा ही मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं मेरे चैनल को। ये मेरा नहीं, ये आपका चैनल है, क्योंकि हम जो कुछ हैं गॉड ग्रेस और आपके प्यार से है। तो चलो फिर फटाफट, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक को ऐप पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके हर एक वीडियो जो है वो अपलोड करती रहती हूँ अलग अलग तरीके से, यूट्यूब के अलावा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना ख्याल रखते हुए हमारा भी ख्याल रखिए, हमारे चैनल पे अपना प्यार ऐसे ही बरसाए रखिए, ताकि हम आपसे मोटिवेट होकर, आपसे सीखकर, आपका प्यार पाकर आपके लिए और भी ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस लाएं, ताकि आप हमें और ज़्यादा प्यार दें। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेरी ब्लेस्ड विद माय ऐप यूनिवर्स शालिनी, और कल की खास अमेजिंग वीडियो के लिए भी ज़रूर जुड़ जाइए। तो रखिए ख्याल, मिलूंगी अगले खास मंडे में आपके लिए मैं क्या लेकर आ रही हूँ।